लोगों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। हमारे परम पूज्य जगतगुरु श्री शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी भी इतना होने के बाद भी हमेशा शांति से, सहन से, सब एक स्थित प्रज्ञ होकर, चेतना शक्ति होकर सभी को भी मार्गदर्शन करता है। हम सभी लोगों के गुरु परम पूज्य शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी हैं। आपको उनको महाराज के पास कितना याद है, इतना संस्था के बारे में, भक्त लोगों के बारे में, कॉलेज का हर व्यक्ति का नाम का याद है, इतना एक महान शक्ति उनको पास है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन आप सभी लोग रोज योग करते हैं। योग बहुत बढ़िया अच्छा तरह करता है। थोड़ा दिन में बहुत अच्छा अच्छा कठिन कठिन आसन भी आप करते हैं। आप प्रार्थना भी दो दिन में सीख लिया। आपको पास भी बहुत, आप भी सभी लोग गुरु है ना, आप सभी लोग कोई शिक्षक है, शिक्षक है तो हमारे देश में गुरु है। आपको भी स्टूडेंट लोगों को हमेशा ज्ञान देते बांटते रहते हैं। उनको आपको पता ज्ञान देते ही भूल जाता है, आपका स्टूडेंट आपको नहीं भूल जाता है, हमेशा याद रहते हैं। आपको कैसा याद रहता है, ये शिक्षक लोग बहुत अच्छा बता देते हैं, अच्छा समझा देते हैं। उन्होंने बड़ा होकर नौकरी करने के बाद भी शिक्षक गुरु का याद आता है तो आपका याद आते रहते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु का स्थान है। आप भी एक सामाजिक ज्ञान और राष्ट्र बढ़ाने के लिए, राष्ट्र समृद्धि होने के लिए आपका स्थान भी बहुत बड़ा है। इस वजह से आज गुरु पूजा जाप और सब किया कर लिया, एक बड़ा पुण्य का काम भी है। वेदव्यास महाराज जी उनको ज्ञान भास्कर कहते, ज्ञान देने वाला सर्वश्रेष्ठ है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की और लाना। हम बिना गुरु के कुछ नहीं सीख सकते हैं। अगर सीख भी गया तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आज भी आपके पास अगर कोई हुनर है तो आपसे पूछ जाएगा कि आपने यहाँ कहाँ से सीखा है या किससे सीखा है। गुरु से प्राप्त हुई विद्या हमें ऊंचाई तक ले जाती है। बिना गुरु के प्राप्त विद्या का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि बिना गुरु के प्राप्त विद्या संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। गुरु सभी है। आपके माँ बाप शिक्षक जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं वह गुरु है। आज के दिन हम हमारे गुरु का सम्मान करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। हमें ऊंचाइयों पर लाने के लिए, हमें अंदर से प्रकाश की ओर लाने के लिए, हमारे रक्षा करने के लिए, और हम चाहते हैं कि ऐसे कृपा हमारे ऊपर हमारे गुरु के हमेशा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। अपना अपना गुरु का स्मरण करके, याद करके गुरु पूजा सभी का दिन है ना, इस गुरु पूर्णिमा गुरु का दिन है। अपना अपना गुरु का भक्ति स्मरण करके हमारा पूरा साल भर निर्विघ्न से जाने के लिए, निर्विघ्न से चलाने के लिए गुरु कृपा पहला होना चाहिए। गुरु कृपा होने से सब कार्य यशस्वी निर्विघ्न से होता है। इसलिए सभी को गुरु का कृपा आशीष जरूरी होना चाहिए। अभी हमारा प्रिंसिपल सर आ गया, सभी हमारा स्टाफ, एचओडी लोग, शिक्षक लोग, सभी लोग मिलकर संक्षिप्त में मनाया, क्यों कोरोना वजह से सामाजिक डिस्टेंस भी होना चाहिए, ज़्यादा लोग मिलने से भी वो तकलीफ होता है ना। इस वजह से हमारे योग स्टूडेंट लोग रोज़ योग करते थे, इस वजह से ऐसा गुरु पूर्णिमा मनाया। मुझको भी बहुत खुशी हो गया। सभी बड़ों को आशीर्वाद सभी को होना चाहिए। इधर एक पंडित धीरेन्द्र नाथ
दुबे एक छोटा बहुत अच्छा किताब लिखा। उन्होंने ऐसा काम करते करते स्वस्थता के बारे में, गुरु के बारे में, समाज के बारे में, जीवन के बारे में, ऐसा इस छोटा किताब में भगवान के बारे में सब विषय इसमें आ चुका है। वो उन्होंने ऐसा काम करते करते मन में आध्यात्मिक विचार होता है ना, उनको लिखने के लिए प्रेरणा मिल जाता है। इस वजह से वो उन्होंने पंडित धर्मेंद्र नाथ दुबे ऐसा अलग अलग किताब लिखने के लिए गुरु जी ने प्रेरणा दे उनको भगवान ने कृपा दे। आपका ये किताब लिखने के बाद बहुत अच्छा किताब है। इस गुरु पूर्णिमा समय वो लोकार्पण भी होने वाला है, लोकार्पण भी होने वाला है। हमारे प्रिंसिपल सर लोकार्पण करने वाला है। सभी लोगों को भी एक एक किताब भी उन्होंने देने वाला है। इस वजह से उनको ऐसा हमेशा